अगर आपको भी चाहिए परफेक्ट पिंडी छोले की रेसिपी तो ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। फिर उसमें जीरा डाल देंगे। जब भी थोड़ा सा जीरा पक जाए उसके बाद हमें इसमें डालना है ऑनियन। मैंने यहाँ पे पिसा हुआ डाला है। तकरीबन 3 बड़े कांदे डाले हैं पीस कर। उसे अच्छे से हमें भून लेना है और इसे बिल्कुल भी फास्ट गैस पे नहीं पकाना है। हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है और अच्छे से चलाते हुए से पकाना है। फिर उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। उसे भी हम अच्छे से घुमाते हुए चलाते हुए पका लेंगे। और अदरक लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो आप इसे स्किप ना करें। और फिर यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे कांदे को और अच्छे से पका लेना है, जैसे ये इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। बस जब ये पक जाए उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है टमाटो की प्यूरी। मैंने यहाँ पे टमाटो पीस लिया है, 2 बड़े टमाटर, और फिर उसमें नमक डाल दिया है। जैसे वो टमाटर जल्दी से पक जाए, क्योंकि टमाटर के तुरंत नमक डालने के बाद ये अच्छे से पक जाते हैं और जल्दी से पक जाते हैं। बस फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपका कलर ऐसे अच्छा नहीं आ रहा है तो कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, उससे इसका कलर और भी अच्छा लगता है, रेड रेड जैसा आता है। और फिर उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच छोले मसाला। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। हमें इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं। जो मतलब मार्केट में आप देखते हो दूसरे वीडियोस में ये मसाले डालेंगे वो मसाले डालेंगे, बहुत ही कम मसालों में, बहुत सिर्फ घर के मसालों में ही हमें इतना बढ़िया टेस्ट आ जाता है। बस फिर हमें इसमें बॉयल किए हुए छोले डाल देने हैं और उसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना है हाई फ्लेम पे, जैसे जिस मसाले का फ्लेवर है वो छोलों में अंदर तक जाए। बस फिर हम अपने हिसाब से पानी डाल देंगे उसमें। और फिर तड़के के लिए मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन और छोटी सी काट के और उसमें हरी मिर्ची डाल दी है। और लास्ट में हम डालेंगे गैस बंद करके लाल मिर्च। बस इसे इन छोलों में मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लेना है। आप चाहे तो इसमें पानी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे थिक ही रखा है। अगर आपको पतला चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए। बस फिर हमें इसे गार्निश करना है कोरिएंडर के साथ, यानी कि हरे धनिया के साथ इसे सर्व करेंगे। बस इसे गर्मा गर्म परोसे। हमने बनाए हैं इसके साथ भटूरे। तो ये देखिए कितने फूले फूले मस्त भटूरे बन के तैयार हैं। भटूरे की भी रेसिपी मैंने अपडेट कर दी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।